नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए बात करते हैं कि अगर आप एक सीएससी सेंटर चलाते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। और अगर आप सेशन नहीं भी चलाते हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो पे क्लिक किए हैं तो इस वीडियो पे बने रहें ताकि आप इस वीडियो से कुछ नॉलेज लेकर ही जाएं। तो फ्रेंड्स, एक यहाँ पे वेबसाइट मैंने ओपन करके रखे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सोचो और सीखो। तो यहाँ पे एक लेटेस्ट अभी जो पोस्ट अभी यहाँ पे आया है, यहाँ पे सीएससी सोचो और सीखो, तो इस पोस्ट पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो गाइज, इस पोस्ट पे क्लिक करने के बाद मैं इस पोस्ट को आप सभी को दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सीएससी सोचो और सीखो, और यहाँ पे कुछ पोस्ट लिखा हुआ है, मैं इसको पढ़ के आप सभी को सुनाना चाहूँगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। उसके नीचे है कि मैं आप सभी के लिए एक फीचर लेकर आया हूँ दोस्तों। जो लोग सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं यहाँ सोचो और सीखो के यूजर को बताना चाहूँगा कि जब आप वेबसाइट खोलते हैं तो आपको मेनू बार में एक नया मेनू दिखेगा, सीएससी पोर्टल और सीएससी सर्विस। आप वहाँ जाकर सीएससी के बहुत सारे सर्विस का मजा ले सकते हैं। अब आपको किसी भी सर्विस के लिए अलग जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ है सोचो और सीखो, और आप यहीं से कोई भी सर्विस यूज कर सकते हैं यानी उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस वेबसाइट का मैं आप सभी को बता देता हूँ। जैसे इसमें लिखा हुआ है, इसमें मैं यहाँ पे मेनू बाल खोल लेता हूँ, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है सीएससी पोर्टल एंड सीएससी सर्विस। तो चलिए मैं यहाँ पे सीएससी सर्विस के मेनू बार पे क्लिक करके मैं सबसे पहले आप सभी को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आधार सेवा है, पैन कार्ड है, बिहार भूमि है, डेली यूज साइट्स है, वैली अपडेट है, डीबीटी एग्रीकल्चर है, डिजिटल सेवा है, आरटीपीएस ऑनलाइन है, न्यूज साइट्स है, आयुष्मान भारत है, एंड यहाँ पे वृद्धा पेंशन योजना है। यहाँ पे बहुत सारे सुविधा उपलब्ध है फ्रेंड्स। इसलिए मैं यहाँ पे सिंपली सीएससी पोर्टल पे क्लिक करता हूँ। सीएससी पोर्टल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका टाइटल सीएससी पोर्टल एंड यहाँ पे कुछ लाइव वेबसाइट्स जो है यहाँ पे आपको सामने शो हो रहा है। जैसे यहाँ पे बीए एडमिशन अभी ऑनलाइन चल रहा है, हो रहा है, तो यहाँ पे लेटेस्ट आपको लिंक मिल जाएगा देखने को। यहाँ पे इंटरमीडिएट, यहाँ पे 12th का एडमिशन जो हो रहा है, और यहाँ पे रिजल्ट भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ से भी इसको मज़ा ले सकते हैं। आप यहाँ पे केसीसी ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं, और आप यहाँ पे ज़मीन का रसीद ऑनलाइन काट भी सकते हैं, या बिजली बिल ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं, बिजली बिल निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिजली से ऑनलाइन किया जाता है, इसका रसीद कैसे निकाला जाता है आप जानना चाहते हैं, तो इसका लिंक मैं वीडियो के आई बटन में दे दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और इस सर्विस में से किसी भी सर्विस का आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और नीचे में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको वहाँ पे बतलाया था सीएससी सर्विस में, तो यहाँ पे आपको पूरा सर्विस शो हो रहा है, जैसे डिजिटल सेवा, डेली यूज साइट्स, वैली अपडेट, डीबीटी एग्रीकल्चर एंड जो मैंने बतलाया था वहाँ पे, वो सब यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो चलिए मैं कोई एक लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे डेली यूज साइट्स पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यह एक नया पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेली यूज साइट्स यहाँ पे आप आ गया है। यहाँ पे पैन कार्ड स्लिप 3 घंटे में आपके मेल पर, प्रधानमंत्री श्रम मंत्र योजना, NSDL पैन कार्ड, UTI पैन कार्ड, बिजली बिल ऑनलाइन भुगतान, KCC किसान क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन। अगर आप इसमें किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि मैं आप सभी के लिए वीडियो बना सकूं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, खाता खसरा की जानकारी, ऑनलाइन वोटर कार्ड सर्विस, टिकट बुकिंग, आई आर टी सी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे यह देखने के बाद आप सिंपली बैंक आइए, और बैंक आने के बाद आप इस सब पे चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इस वेबसाइट के बारे में इसलिए बता रहा हूँ आप सभी को, क्योंकि आपको बहुत सा सर्विस यूज करना होता है, और अपने कस्टमर को कोई भी आधार कार्ड पैन कार्ड आपको बनाना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पे, चलिए मैं यहाँ पे आधार सेवा पे क्लिक करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आधार सेवा का पोर्टल जो यहाँ पे खुल गया है,
और आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड आधार, चेक आधार स्टेटस, ऑर्डर आधार रिप्रिंट, अपडेट योर एड्रेस, ऑनलाइन वेरीफाई आधार नंबर। तो फ्रेंड्स यह साइट के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको हर तरह की सर्विस के लिए अलग अलग वेबसाइट पे जाना पड़ता है और आपको पता भी एक्चुअली में नहीं चलता है, लग पाता है कि किसका कौन सा किस चीज़ के लिए वेबसाइट बनाया गया है। तो आप सिंपली इस पोर्टल पे आएँ और इस वेबसाइट विजिट कीजिए, और अगर आप CSS चलाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप इस वेबसाइट से बहुत सारा मज़ा ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा साइट है फ्रेंड्स, मैं खुद ही इसको यूज करता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो मैं इस इतना पर ही रोकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई मन में अभी कोई सवाल है तो आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर पूछें।